गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं किशोर अवस्था वाला, इसके अंदर जानेंगे किशोर अवस्था में चारित्रिक विकास, ठीक है ना, कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एज में किस तरीके से पाया जाता है। किशोर अवस्था में चारित्रिक विकास की अगर हम बातें करते हैं तो हम ये पाएंगे, ठीक है, कि किशोर अवस्था में चारित्रिक विकास काफी अच्छे तौर पर देखने को मिलता है और काफी हद तक बच्चे इस अवस्था में सीखने संबंधी क्रियाएं होती है तो उससे उसके चरित्र पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके संदर्भ में हम जानेंगे सबसे पहले आदर्श व्यक्तित्व गठन, ठीक है, आदर्श व्यक्तित्व का गठन इसके संदर्भ में है। किशोर आदर्श किशोर आदर्श व्यक्तित्व के गठन के प्रति अधिक ध्यान देते हैं इसके लिए वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुंदरता लाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। यह बताया गया है आदर्श व्यक्तित्व, यानी कि अपने व्यक्तित्व अपने पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, किशोर जो होते हैं आदर्श व्यक्तित्व गठन के प्रति अधिक ध्यान देते हैं, यानी कि उनका पर्सनैलिटी अच्छी बने उसके प्रति अच्छे ध्यान फोकस करते हैं। इसके लिए वह शारीरिक एवं मानसिक, ठीक है, फिजिकल या मेंटली रूप से सुंदर लाने का या सुंदरता दिखाने का अपना प्रयास करते हैं ताकि उनका व्यक्तित्व आदर्श तौर पर निखरे, ठीक है। तो यह आदर्श व्यक्तित्व का गठन। उसके बाद अगला आ जाता है स्वाभाविकता विकास, स्वाभाविकता का विकास। तो इसमें आ जाता है व्यवहार में ज्ञापन लाल। इस अवस्था में किशोर और किशोरी अपने जो बिहेव व्यवहार, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद जब किशोर अवस्था में आते तो अपने बिहेव को चेंज करते हैं, उसमें ज्ञापन लाने का प्रयास करते हैं। उनका व्यवहार अनुकरण अनुकरण मार्गदर्शन निर्देशन होता हुआ स्वाभाविकता और जाता है। क्या होता है इस अवस्था में व्यवहार में जो नयापन आता है उसी के फलस्वरूप, नयापन लाने के फलस्वरूप उनका व्यवहार अनुकरण मार्गदर्शन निर्देशन से होता है, इन तीनों से गुजरते हो क्या करता है स्वाभाविकता की ओर जाते हैं, यानी कि स्वाभाविकता का इनके अंतर्गत विकास होता है स्वाभ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
समायोजन का अभाव, समायोजन का अभाव। ठीक है, इस स्थिति में किशोर और किशोरी अपने को समायोजन के प्रति अभाव देखने को मिलता है या समायोजन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने द्वारा किए गए कार्य या कुछ भी देखते, इसके प्रति इनकी जोश जोशीली प्रवृत्ति होती है, यानी कि उत्तेजित प्रवृत्ति होती है। और ये उत्तेजित प्रवृत्ति कई बार क्या हो जाती है, घातक भी हो सकती है, जो समाज और परिवार को माननीय नहीं होता। तो इस स्थिति में वो परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति, समायोजन के प्रति इनका अभाव पाया जाता है, उनकी सोच में अभाव पाया जाता है और उनसे तालमेल नहीं बिठा पाते। इसलिए कहने का मतलब समायोजन का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। अगला, मानव धर्म का महत्व। किशोर किशोरी मानव धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं, उनके महत्व को समझते हैं, राष्ट्रीयता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय भावना इनको बांधते हैं, संकीर्ण सोच, रूढ़िवादी सोच या ऐसी सोच जिससे मानव पिछड़े की ओर जा सके या उनका पिछड़ापन दिखते, ऐसी सोच के प्रति वो सचेत रहते हैं, सोच को नकारते हैं और मानवता के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है नेक्स्ट, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, इस स्थिति में किशोर और किशोरी को अपनी जो सभ्यता होती है, अपना ठीक है सभ्यता के साथ जो संस्कृति कल्चर होता है, इसके प्रति उनका विशेष लगाव होता है और इनके संरक्षण प्रति वो जागरूक रहते हैं, सभ्यता के प्रति जागरूक रहते हैं और इस लगाव के फलस्वरूप वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए भी रहते हैं, तो इनका प्रति संरक्षण का भाव रहता है। और अंतिम है चारित्रिक गुणों का विकास, चारित्रिक गुणों का विकास। इसके अंदर चारित्रिक विशेषताएं अपने में ज्ञापन लेकर आता है। जो चारित्रिक विशेषताएं होती है वो क्या होती है, उन चारित्रिक विशेषताओं के फलस्वरूप अपने में ज्ञापन लेकर आता है। ठीक है, तो इसी ज्ञापन के फलस्वरूप उनके अंतर्गत चारित्रिक विशेषताएं, चारित्रिक गुणों को देखने को मिलता है, जिससे कि उनके चरित्र को अच्छा देखा जाए और वो अपने आप को दूसरों के समक्ष एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी पहचान करने को देख सके। तो इस तरह से चारित्रिक गुणों के विकास के प्रति वो जागरूक रहते हैं, उनका विकास भी होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि किशोर अवस्था में चारित्रिक विकास किस तरीके से देखने को मिलता है और किस तरीके से किशोर अवस्था में एक अलग ही रूप बच्चों का देखने को आता है। तो ये था किशोर अवस्था में चारित्रिक विकास। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का होमवर्क है, किशोर अवस्था में चारित्रिक विकास स्पष्ट। तो किशोर अवस्था में चारित्रिक विकास किस तरीके से होता है जो आज हमने जाना, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट या होमवर्क करना है। स्टूडेंट्स कोविड समय में सावधानी सतर्कता रखनी है, इसके बचाव के लिए उसका कड़ी से पालन करना और हमको सभ्यताशील अपना वैक्सीनेशन अवश्य करना है। थैंक यू।